Hello, good morning friends, myself Rajesh Bishnoi, I am lecturer at Government Polytechnic College, Jodhpur. आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 205 के बारे में डिस्कस करेंगे. इसका यूनिट 6 में हाफ एडर फुल एडर हाफ एडर सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर का डिस्कशन करेंगे. हाफ एडर एंड सब्ट्रैक्टर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. कॉम्बिनेशनल सर्किट दो सर्किट्स इन विच आउटपुट डिपेंड ओनली एंड ओनली प्रजेंट इनपुट. कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसके अंदर आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही एग्जांपल है एडर एंड सब्ट्रैक्टर. सबसे पहले हम हाफ एडर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर. जैसे इंडेक्स ऑफ अबव लेक्चर दिस लेक्चर एडर हाफ एडर फुल एडर सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल एडर. एडर का मीनिंग, बेसिक मीनिंग होता है किसी भी दो नंबर्स को ऐड करना. एंड एडर इज़ ए डिजिटल लॉजिक सर्किट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इंप्लीमेंट एडिशन ऑफ नंबर्स. इन मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रोसेसर एडर्स आर यूज्ड नॉट ओनली इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स बट ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर वेयर दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट एड्रेस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सिमिलर ऑपरेशंस. बेसिकली एडर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर. सबसे पहले अपन हाफ एडर के बारे में डिस्कस करेंगे. हाफ एडर के अंदर क्या होता है, किसी भी दो बिट सिंपल दो बिट को आपको ऐड करना है, वो हाफ एडर का पार्ट है. हाफ एडर एडेड टू बाइनरी डिजिट कॉल्ड है ऑगेंट एंड एडेंड. हाफ एडर प्रोड्यूस टू आउटपुट एज सम एंड कैरी. एक्जोर इज अप्लाइड टू बोथ इनपुट प्रोड्यूस टू सम. और गेट इज अप्लाइड टू बोथ इनपुट टू प्रोड्यूस कैरी. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर. ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, इसके अंदर ए और बी दो इनपुट पार्ट है. दो इनपुट पार्ट के बाद में आपके दो आउटपुट पार्ट जनरेट होते हैं, सम एंड कैरी. अब इसकी इनपुट की बात करें, यदि आपके पास दो पॉसिबल इनपुट्स है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 0 0 0 1 1 0 1 1 चार आपके टाइप हो गए, 0 0 0 1 1 0 1 1. यदि दो इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार हो गए. सबसे पहले 0 + 0 को मैंने किया तो सम भी 0 और कैरी भी 0. 0 + 1 को मैंने ऐड किया तो 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 और कैरी 0. 1 और 0 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 और कैरी 0. और 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2. और बेसिकली 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0. तो उसमें एडिशन तो आता है आपका 0 और कैरी जनरेट होता है 1. अब नॉर्मली मैं यदि सम की टेबल देखता हूँ तो सम की टेबल देखने से मेरे को लगता है कि सेम इनपुट आउटपुट इज़ 0. ये किसका पार्ट था, जब अपन एक्जोर ऑपरेशन देख रहे थे उसके अंदर क्या था कि सेम इनपुट आउटपुट इज 0 और डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 1. तो ए और बी का एक्जोर ऑपरेशन इज रिजल्टेंट इक्वल टू सम. एंड कैरी के अंदर अपन देखते हैं तो क्या है कि एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0. तो ये किसका था, एंड गेट का. अपन इसको केमेप से देख लेते हैं, ए और बी के अंदर 1 कहाँ कहाँ आया. जब सम की बात करते हैं तो दो जगह आया था, एक तो 0 1 के अंदर आया था, एक 1 0 के अंदर आया था. ए बार वी बार प्लस ए बार वी बार ए एक्जोर बी. और कैरी के अंदर सिंपल एक जगह आया था तो इसका रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ए बी. तो इसका ब्लॉक डायग्राम से ट्रुथ टेबल से अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम ए और बी का एक्जोर बन जाएगा और ए और बी का एंड गेट हो जाएगा कैरी के अंदर. अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं फुल एडर. फुल एडर के अंदर क्या करते हैं, कोई भी आपके दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं. इसके अंदर बाइनरी नंबर आपके अज्यूम कर लेते हैं कि दो बाइनरी बिट ए और बी के साथ में एक कोई भी आपका अज्यूम कैरी इन, जो अपन कह सकते हैं कि एक कैरी जनरेट होगी, 3-bit बाइनरी नंबर होगा और 2 आउटपुट जनरेट होगा, एक तो सम और एक कैरी आउट. नॉर्मली इसका ब्लॉक डायग्राम ये हो जाएगा फुल एडर का, ए बी और कैरी इन, उसके बाद सम और कैरी आउट. सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 0 1 0 एंड 1 1. एक बार 0 0 के साथ 0 ले लेंगे, एक बार 0 0 के साथ 1 ले लेंगे, फिर 0 1 के साथ 0 ले लेंगे, 0 1 के साथ 1 ले लेंगे, फिर 1 0 के साथ 0 ले लेंगे, 1 0 के साथ 1 ले लेंगे, नेक्स्ट 1 1 के साथ 0 ले लेंगे, 1 1 के साथ 1 ले लेंगे. और डायरेक्ट यदि अपन देखते हैं तो इसके अंदर आपको कोई भी 3 इनपुट है उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होंगे, तो 0 0 0 से लेके और 7 तक की बाइनरी 1 1 1 तक. अब इनको मैं ऐड करता हूँ तीनों को तो इस हिसाब से मेरी ट्रुथ टेबल बनती है. जब मैं इसको सी आउट को देखता हूँ तो यहाँ पे जब मैं सी आउट को देखता हूँ तो ए एक्जोर बी एक्जोर सी का रिजल्टेंट मिलता है और यहाँ पे आउटपुट. इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल की से मैं केएमएफ जनरेट करता हूँ
KMF जनरेट करने से मेरे ए और बी आ गया, इधर बी सी आ गया, तो यहाँ पे ए के लिए पॉसिबल का मैंने 01 लिख दिया, इसके लिए 00011110 अपन KMF के अंदर पहले भी देखा था। इसके बाद में इसको KMF चारों अलग अलग है, इसको मैं देखूंगा, इसको चारों को अलग अलग मैं यदि सॉल्व करता हूँ तो चार ग्रुप बनते हैं, चारों ग्रुप से मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, ए एक जोर बी एक जोर सी इन, और इसका आ जाएगा मेरा ए डॉट बी प्लस सी एक जोर ए एक जोर बी। इससे मेरा सर्किट डायग्राम जनरेट हो जाएगा। यदि मेरे पास कोई भी दो हाफ एडर है उससे मेरे को यदि फुल एडर जनरेट करना हो तो कोई भी एक हाफ एडर के साथ कैरी इन कर दीजिए, दूसरा हाफ एडर इसके एडजॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद जो रिजल्टेंट जनरेट होगा सम और जो आउटपुट जनरेट होगा उसको और गेट के अंदर ले लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर के अंदर कोई भी दो नंबर्स हैं उसको सबट्रैक्ट करने के लिए सबट्रैक्टर यूज़ होता है। इसमें दो टाइप्स के सबट्रैक्टर होते हैं, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर को बेसिक मीनिंग अपन कह सकते हैं कि कोई भी सिंगल बिट है उसके अंदर आपको यदि सबट्रैक्ट करना हो सिंगल बिट को यदि, तो हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर के अंदर दो आपके इनपुट होंगे, एक तो माइन्यून एंड दूसरा सबटेंड, और दो आउटपुट होंगे डिफरेंस और बोरोवर ए और बी का। जीरो माइनस जीरो आप अपन देखते हैं कि पता है जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, जीरो माइनस वन जो पॉसिबल नहीं है, वन जीरो वन माइनस जीरो वन होता है और वन माइनस वन जीरो होता है। तो जो जीरो माइनस वन है उसके अंदर अपन पहले से ही बोरोइन ले लेते हैं, बोरोइन लेके मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। हाफ एडर का मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक डायग्राम ए बी और उसके बाद डिफरेंस और बोरोवर, उसका सर्किट डायग्राम सी हो जाएगा। इसकी यदि टेबल की बात करता हूँ तो मेरे को जीरो 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 माइनस जीरो जीरो और जीरो, और मैंने एक बोरोवर आउट ले लिया। बोरोवर आउट के अंदर मैं कह दिया कि वन जीरो माइनस वन, मतलब वन जीरो क्या हो गया आपका टू, टू माइनस वन वन, और वन जीरो वापस वन, वन माइनस वन जीरो जीरो। इससे मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम जनरेट करूँगा, एक जोर बी आ जाएगा, दूसरे का ए बार बी बार आ जाएगा। जो सर्किट डायग्राम अपन ने देखा था ये वाला सर्किट डायग्राम आएगा। नेक्स्ट है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर के अंदर तीन इनपुट हो जाएंगे, एक तो माइन्यूट हो जाएगा, सबटेंड हो जाएगा बी और सबटेंड सी, और दो आउटपुट रहेंगे डिफरेंस और बोरोवर आउट, जिसको मैं सर्किट डायग्राम्स इस टाइप से ही जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अंदर वही जीरो से लेकर सात तक की टेबल लिख दो, उसके बाद में डिफरेंस और आउटपुट कैसे निकालना है आउट आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए माइनस बी करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको बी माइनस बी इन करना है। सबसे पहले जीरो माइनस जीरो, उसके बाद में जीरो माइनस जीरो जीरो मिला, उसके बाद में जीरो माइनस वापस जीरो तो जीरो मिला, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो के अंदर आपको जीरो माइनस नॉर्मली ये हो गया जीरो माइनस जीरो, और तो यहाँ रिजल्टेंट जीरो, और नेक्स्ट यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया उसको जीरो माइनस वन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से बोरोवर आउट लिया, जो मेरे पास ये आया हुआ बोरोवर आउट एक, इसको यहाँ वापस हो गया वन 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 जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस वन मतलब टू माइनस वन, तो रिजल्टेंट आया वन। नेक्स्ट आपका वापस जीरो माइनस वन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक बोरोवर जनरेट हो गया, ये जो मैंने बोरोवर यहाँ पे मैंने एक बोरोवर ले लिया, ठीक है, बोरोवर आउट ले लिया, वन जीरो हो गया, टू माइनस वन। इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल जनरेट हो जाएगी। इस ट्रूथ टेबल को अपन KMF के अंदर पुटअप करेंगे। KMF से पुटअप करने के बाद में जो डिफरेंस की इक्वेशन आएगी वो ए एक जोर बी एक जोर बी इन आएगी, और बी आउट की जो आएगी ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस बी और बी इन। और दो यदि मेरे पास हाफ एडर है, हाफ सबट्रैक्टर है, तो उसको जॉइंट करके मैं फुल सबट्रैक्टर कैसे बना सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम के अंदर इसी में आपका पूरा का पूरा छः नंबर का क्वेश्चन आता है, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर और हाफ एडर एंड फुल एडर। ओके, थैंक्स।